हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर एक साइंटिफिक वर्ड है जिसके बारे में सुनने से ही लगता है कि हार्ट फेल हो गया, इससे डर लगता है। लेकिन इसका मतलब हार्ट का फेल होना नहीं, हार्ट जो है पहले से थोड़ा कम कैपेसिटी में काम करता है, इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट का काम क्या होता है ये जान लेते हैं। हार्ट जो है बॉडी से ब्लड लेकर के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वो पूरे बॉडी में पहुंचाता है। वो ऑक्सीजन ब्लड लंग्स के थ्रू हार्ट में आता है और हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाता है। लेकिन ये पंपिंग जो कैपेसिटी होता है उसको हम मेडिकल वर्ड में इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाने को हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। इसके सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। इसके सिम्टम में हार्ट जब हम लोग चलते हैं या थोड़ा बहुत काम करते हैं तो सांस का तकलीफ होने लगता है, जब सोते हैं तो और बढ़ जाता है, जब उठ के बैठते हैं तो ये कम हो जाता है। इस कंडीशन को ऑर्थोपिनिया कहते हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम हैं जैसे स्टोमक में स्वेलिंग हो जाना, जिसकी वजह से खाने का जो इच्छा होता है वो कम हो जाता है। हार्ट फेलियर पेशेंट कई कई दिनों तक खाना बगैर खाए हुए रहते हैं। तीसरा सिम्टम होता है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना, दिल का धड़कन बढ़ जाना, ये तीसरा सिम्टम है। अभी हम लोग हार्ट फेलियर को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि मेडिकल सिस्टम अभी बहुत एडवांस हो गया है। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको खा करके हम लोग इसके सिम्टम को कम कर सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर, ARBs, एसी इनहिबिटर, डायबिटिक्स, नाइट्रोक्लोरोसाइड, ये सब दवाई हैं जिसको हम ले करके हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिवाइस हैं जिस डिवाइस को लगा कर करके हम लोग इसके सिम्टम को कम कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे एक डिवाइस है CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। इस डिवाइस को पेस मेकर की तरह हार्ट में लगा लेते हैं और इसको हम लोग यूज़ करके नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू। ये हार्ट फेलियर के लिए छोटा सा एक आप लोगों को जागरूकता के लिए एक वीडियो।